हम सभी शिक्षकों की नौकरी करो सरकार। कि सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि वो हमारे लिए मर गई है। हम लोग गंगा जल भी लाए हैं, नीतीश सरकार के नाम पर आज अंतिम में हम जलाभिषेक भी करेंगे। नमस्कार, मैं बता दूं कि अभी लखीसराय जिले के विश्वविद्यालय स्थित धरना स्थल पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा यहां आज 13वां दिन भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए हम जानते हैं कि ये लोग इन लोगों का जो है मांग क्या है और आखिर क्या मांग है। हम जानना चाहेंगे कि आपका मांग क्या है। हमारा मांग एक मात्र है कि बिना शर्त हम सभी कोर्ट के शिक्षकों को सरकार राजकर्मी का दर्जा दे। इस बार की जो लड़ाई है एक सूत्री लड़ाई है। एक मात्र है मांग हमारी, हम सभी शिक्षकों की नौकरी करो सरकारी। मात्र एक मांग में ही हमारी सारी मांग नहीं। उनसे भी 22 तारीख से हम लोगों का यह धरना कार्यक्रम शुरू हुआ है और आज यदि आप जोड़िएगा 3 तारीख को तो आज 13वीं है। सरकार की संवेदनहीनता का आलम यह है कि अभी तक सरकार ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को वार्ता के लिए आमंत्रित भी नहीं किया है। तो हम समझते हैं कि सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि वो हमारे लिए मर गई है। इसीलिए हम लोग आज सर मुड़वाए हैं और सामने पीपल का पेड़ है। हमारी संस्कृति में 13वीं के दिन पीपल में जल देने का प्रावधान है। हम लोग गंगा जल भी लाए हैं और नीतीश सरकार के नाम पर आज अंतिम में हम जलाभिषेक भी करेंगे पीपल में और इस सरकार की आज ही 13वीं कर देंगे। 2024 में तो इनकी 13वीं होगी ही और 2025 में इनका नाम लेने वाला भी बिहार में कोई नहीं मिले। चलिए आइए और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आखिर क्या मुख्य मांगे क्या है। देखिए ये जो नियमावली 2023 में नई नियमावली बनाई गई है इसके परिप्रेक्ष्य में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये फैसला लिया है कि बिहार के तमाम प्रारंभिक से लेकर कई खंडों में जो प्रारंभिक शिक्षक संगठन हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक संगठन के नेताओं से वार्ता करके समन्वय बना करके आज जो शनिवार का दिन ये 13वां है ये धरना का, इसमें प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता और उनके शिक्षक साथी भी यहाँ आ चुके हैं।